अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। दोस्तों मैं आया था ऊपर, गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, मैंने सोचा देखते हैं कि नए पिंजरे में चूज़े हमारे क्या कर रहे हैं। चलते हैं हम अपने नए पिंजरे की तरफ। कुत्ते की चूज़े तो निकल गई है, मुझे बुलाना चाहिए किसी छोटे बच्चे को। मनान मनान जल्दी आ, चूज़े निकल गए, जल्दी भाग तबा, जल्दी आ, ये चूज़े निकल गए हैं। ये बाहर मेरे ख्याल से अंदर से ये पिंजरा टूटा हुआ है शायद। हाँ, वो देखो यहाँ से निकलोगे या फिर यहाँ से निकलोगे, ये यहाँ से तो निकाल सकते हैं इसे। जी हाँ जी, निकाल सकता हूँ। ये वहाँ से हमने सेटिंग की थी, वहाँ से इतना जाल निकला। और देखो दरवाजा खुला है, कैसे आने के, चलो उधर जाओ। ले तो भी जा, अंदर कैसे निकालेगा, हाँ चले जाएगा। ध्यान से मनान, ध्यान से निकाल। आलू बालू टाफियाँ बन रही हैं, जल्दी जल्दी आके खा लो। इधर पानी भी नहीं रखा हुआ इनके पास ना। आरियो आरियो प्यारे बच्चों, वैसे गर्मी तो नहीं हो रही, ठंडा और ठंडा हो रहा है क्योंकि बारिश की वजह से दीवारें हमारी ये वाली गीली हो रही है, इस वजह से माहौल तो भी ठंडा है। देखो कोई बात नहीं, देसी है ना, इसलिए ये जब बड़े हो जाएगा तो फिर मजे हो जाएगा। अंडे की बारिश, पानी रखे ना, रखे पानी रखते, थोड़ा बहुत अगर पी लिया, पी लिया इन्होंने, अगर नहीं पिया ना पानी लेके आए इसके लिए ना। देख कहाँ पे पानी किस में होगा, इसमें रखता है। नहीं यार यहाँ पे नहीं होगा, बाहर लेके आओ। अंडा उठाई, अंडा उठाई, ठीक है इसका। ये तो भी छोड़, पानी ज़्यादा इन्हें पिलाने की तबीयत ख़राब है। दरवाज़ा खोल, सारे पानी ज़्यादा ही पीते हैं, अगर ज़्यादा पिला रहे तो तबीयत ख़राब हो रही है। पहले हमारे दो तीन हमारे ये ऊपर से बोरी हटाओ, निकल निकल नहीं नहीं अंदर ही रखो, अंदर ही रखो, अगर ये पीते तो सही है, ऐसे ही नहीं पिला लेते। ओ भाई किधर जा रहा है, ऊपर जाओ ऊपर जाओ। अगर इन्होंने पीना है तो मैंने तो फिर फेंक दूंगा, क्योंकि पानी पिलाने से ना इनकी तबीयत खराब हो रही है, मौसम भी ठंडा हो रहा है हमारा। आशीर कहते थे इनका ये पानी से पेटा फूल है, जो सबसे बड़े वाला चूजे है, सारों को फूल है। बाजरा डाला था मैंने, ऐसे ही है वो बाजरे के अंदर रोटी नहीं थी, पानी के अंदर भिगोड़, इसको ने जब कोने में रख लेते, देखते क्या करते हैं ये, पानी के अंदर भिगोड़ के पिलाई थी, इनका पेट तो फुल होना चाहिए। ये अड़ गया थोड़ा बहुत पानी, ये पी सकते हैं, पी रहे हैं, सही है। ओए चूजे कहाँ निकल रहे हो, कहाँ निकल रहे हो भाई, कहाँ निकल रहे हो ये, ओए निकल रहे, रुक जा रुक जा रुक जा, कर दो रुक जा। वो बाकी मिट्टी खा रहे, मिट्टी नहीं खा रहे। अच्छा अभी इसमें बनकर ध्यान से, वो देख चूजे का पाँव, चूजे के पाँव आया हुआ है। चल कर बोरी पहले ऊपर करो बेटा, चलो कर अब बंद, ताला भी लगा दो। इसके अंदर हमने दवाई मिलाई हुई है ताकि जो ठंडे वगैरह लग जाती है ना उसकी वजह से तबीयत सही हो जाती है। वो वाला पानी फेंको इसको, पी रहे तो सारे हैं वैसे। नहीं इसको नहीं पिलाना ना, ये वाला ख़राब हो जाएगा, मतलब इनकी बीमारियाँ लग जाएगी इन्हें ना, और ये वाला इन्हें पानी पिलाएगा। लेकिन इसे कोने में रखना है, इसे कोने में रख मनान, ओके इसे कोने में, इसे उस वाले को, हाँ जो पानी है ना वाले कोने में, जैसा ले इसमें रख दे कोने में। मेरे हाल के ऊपर चढ़ा हुआ था, प्यास लग रही है ना बहुत, कब हो के खड़ा हो भाई, पानी पी। आज गर्मी भी बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, आज हवा चल रही है लेकिन गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा, बारिश के बाद पहली धूप है जो भी इतनी कड़क निकली है, इस वजह से यार वो रास्ता बंद करना चाहिए हमें, यहाँ से निकले ना। पत्नी कैसे हो गए, कैसे हो गए यार, नहीं यार सेबा नहीं, अंदर जा अंदर जा। अब वो देखना वो वाला रास्ता, इधर देख वो वाली जाली, वहाँ से निकले। हाँ इसको गत्ते को आगे कर, गत्ते को आगे करो, गत्ते को आगे करेगा तो वो रास्ता बंद होगा ना वहाँ का। ईंटे में दे रहा हूँ, ईंटे लगाऊँ वहाँ पे, उस साइड पे यहाँ पे ईंटे लगाएगा ना। मेरे ख्याल से वहीं से निकले यार, वहीं से निकले, यहाँ से नहीं निकले, वहीं से निकले। यहाँ से निकल भी नहीं सकते इनको, जो क्योंकि कांटे हैं काफ़ी सारे, तो यहाँ से तो मुश्किल ही निकलेगा भाई, यहाँ से। चलो अच्छा ये एक ये वाला लगा दो, बाहर लगा, डंडा भी हटा दें,
ये ले डंडा, यूं ना कर दूं। चल ये भी सही कर रहा, चल आ जा। आज बस छोड़ दे ये बोरी, हटा बोरी बोरी। अब इनको रास्ता भी बंद हो गया, अब इसे ढक भी देता हूँ ताकि रात सुबह या कल रात या सुबह बारिश वगैरह हुई तो ये महफूज रहे, क्योंकि सर्दी की पहली वो है तो बच्चे भी अभी है, इसकी वजह से तबीयत इनकी ख़राब हो सकती है और बीमार भी हो सकते हैं। इनके पास कोई मुर्गी भी नहीं है ना, इनके मुर्गा है कोई, मतलब इनका ख्याल रखे। वैसे कोई नई मुर्गी लेके आएंगे तो ये मारते रहेंगे, बच्चे से ऐसे सारे मर जाएंगे, इसलिए हमें खुद ही ध्यान रखना होगा। इसलिए बेहतर है कि इन्हें अभी ब्रोफिन वगैरह की मेडिसिन वगैरह पानी पिलाते रहे ताकि जो बीमारी वगैरह खुद ही मर जाए और प्यास में प्यास भी इनकी भूल जाए। दोस्तों आपको वीडियो चाहिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना, मेरी वीडियो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक अल्लाह हाफिज़।